अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और उसका चेला बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, उनको पापों की क्षमा मिल जाती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते। उसका वजह यह है कि वो केवल विश्वास ही रह जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन पाते। तो आपके मन में यह सवाल आया होगा, कैसे बनेंगे प्रभु यीशु मसीह का चेला? विश्वासी और चेला का बीच में क्या अंतर होता है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर आज का इस वीडियो से आपसे बातचीत करेगा। आइए मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूँ। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा चैनल लाइफ एसटीए को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें 300 से ज्यादा वीडियो है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में सहायता करेगा। ये वीडियो आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने में सहायता करेगा। सो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चेला और विश्वासी में क्या अंतर होता है? चेला और विश्वासी में जरूर कुछ अंतर होता है, हम इस बात को समझना जरूरी है। देखिए, एक नॉर्मल विश्वासी क्या होता है, वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ है। एक सामान्य विश्वासी जो किसी चर्च का मेंबर है, मतलब बैप्टिज्म वगैरह लिया है, कन्फर्मेशन लिया है, वो चर्च जाता है, घर वापस आता है और उसके अंदर में आत्मा बचाने का कोई बोझ है ही नहीं। मतलब दूसरा लोग नरक जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, जो कभी भी अपना गवाही जो है नहीं देता और यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो अपना मन का मर्जी से या जैसा उसको अच्छा लगता है वैसे ही वो चलता रहता है। जो लोगों को बहुत बहुत महत्व देता है, रिश्तों को महत्व देता है और परमेश्वर को कम आदर कम महत्व देता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बदनामी नहीं सहन कर सकता, ऐसे लोग हम उनको बोलेंगे नॉर्मल विश्वासी। ये लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं है। तो चेला कौन है या चेला किसे कहते हैं, इस बात को हम आगे डिटेल में समझेंगे। और जो बात मैं बोल रहा हूं उस वचन का आधार आपको यहां पर पीला वाला लाइन में यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और लूका 9 अध्याय में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कौन है या कौन और कैसे बन सकते हैं, इस बात को हम आगे सीखेंगे। आप जरूर पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो यहां यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं। आपको ये बात याद है, यीशु ने चेलों की ओर देखा और बोला था यूहन्ना 15 अध्याय में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। सो ये बात आप ध्यान से आगे देखिएगा। तो चेला किसे कहते हैं? चेला बुलाए हुए और चुने गए विश्वासी है। मतलब यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया और विश्वासियों को बुलाया और उनमें से 12 को चुन लिया। क्यों चुना? कि वे यीशु मसीह के साथ साथ रहे, प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले या लोगों को चंगाई दे, इस पर्पस से यीशु मसीह ने चुना। तो चेला बुलाए हुए और चुने गए विश्वासी है। हमने नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। ओके, और ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, पश्चाताप किए हैं, पूरे दिल से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ऐसे लोग हैं चेले। और जो शिष्य बनने का कीमत को चुकाते हैं, ऐसे लोगों को हम चेला कहते हैं। तो चेला किसे कहते हैं? जो वचन पर चलने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 8 उसका 31 वचन, तो वहां पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखो, उन दिनों में यहूदियों ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने पीछे घूमकर उनसे कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब क्या है? चेला बनने के लिए परमेश्वर का वचन में बने रहना है, यीशु मसीह का वचन में बने रहना है, तब चेले बनेंगे। तो चेला वो है जो वचन के अनुसार चलने वाला है। दूसरा, चेला वो है जो फलदायी जीवन जीने वाला है, मतलब जिसका जीवन में फल दिखाई देता है। यूहन्ना 15 उसका 9 वचन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह का चेला होने के लिए हमारे जीवन में फल आना है, कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए जो परमेश्वर हमसे आशा करता है। सो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं चेला। और भी बहुत कुछ है, हम आगे सीखेंगे।